निमुआ घाट गंगा जी के किनारे भ्रमण करते फतेहपुर जिले में, तो ऐसे संतों के पास तो आते रहते ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ, तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे। तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो जाती भागवती, तो अपनी बेटी को लाए थे तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे ऐसे, इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम और अच्छे। तो वो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी तो उनका इस बच्चे को क्या हो गया। तो उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था। पर वो लोग अब जो सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तब उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के, तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांध कर। और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला, जल रही थी वो भी, भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गए। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जेव नीचे कूद, जेव जलती उन्हें देखा तो कम्बल आदि से ढका और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई, उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। वो बोले हमें सूचना दी गई हम अपनी बेटी को ले ऐसे। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है, वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है। और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा देशभक्ति भगवत भक्ति बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो वो अच्छा, या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारी बच्ची ना होती। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना, कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर जलाकर क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्भ की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो, आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से, वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही नहीं जा रहे। तो ऐसा ना सोचे कि बच्चे तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। और कई जगह हमने देखा जहां बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती हैं, कभी लड़कों को किडनी देती हुई नहीं देखा अपने बाप को। जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है, लड़के चार हैं हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए परे, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दुलार करती क्योंकि करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या है? सोचो चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो भले 200 रुपया लाते हो और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख, ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए, ये भारी दंडनीय अपराध। यहाँ दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो फिर भगवान के शासन से, फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। तिनकर काल रूप में भ्राता, बहुत बहुत सावधान। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है क्योंकि समाज के लिए बहुत सुधार, जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान
जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है, वो ऐसा कुछ देगा कि। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।